बच्चों कल एक बच्चे का कमेंट आया था और इस कमेंट में बच्चे ने सजेशन मांगी थी कि सर एग्ज़ाम टाइम आ चुका है, हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, रिवीजन कैसा करना चाहिए। तो मैंने उस बच्चे को यही बताया कि बच्चे एक तो स्ट्रेस फ्री रहना है, अपन को किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है, दूसरा जो आपने पढ़ा है कम से कम उसको तो रिवाइज कर ही लो, और इसको रिवाइज करने के लिए इतने छोटे नोट्स बनाओ, इतने छोटे नोट्स बनाओ कि 5 मिनट के अंदर वो पूरे नोट्स रेडी हो जाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के, ये नोट्स मैंने अपने हिसाब से बनाए, हर एक टॉपिक को देख करके मुझे सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो कि इतना बड़ा चैप्टर है, मैंने इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब तुम बोलोगे सर क्या इस 9 टॉपिक को देख करके आपको सब कुछ आ जाएगा? हाँ भाई सब कुछ आ जाएगा। इंट्रोडक्शन की अगर बात करूँ तो इंट्रोडक्शन में मैंने 2 पॉइंट याद रखे हुए हैं कि अर्थ की क्रस्ट में कार्बन जो होता है वो 0.02% मिलता है, जो कि एलोट्रॉप्स या फिर फॉसिल्स की फॉर्म में मिलता है, और एटमोसफियर में ये 0.03% मिलता है, जिसमें CO2 CO गैस मेन होती है और मिथेन भी हो सकती है। दूसरा है एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स में भी 3 ही चीज़ें याद रखें, कार्बन जो होता है वो 3 फॉर्म में मिलता है, और ये 3 फॉर्म होती है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन। डायमंड जो होता है हार्डेस्ट होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। डायमंड में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल एरे होता है। ये जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? क्योंकि लैटिस में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ये मैंने याद रखा है एलोट्रॉप में, कुछ और क्वेश्चन भी आएगा तो माइंड इतना दौड़ जाएगा कि क्वेश्चन कर लेंगे। अगला है कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन जो होता है न C+4 आयन बनाता है न C-4 आयन बनाता है। तो बात ही आती है कि कार्बन जो है दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनते हैं उनको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड फिर हमने सबका बना के देखा, हाइड्रोजन गैस का बना के देखा, ऑक्सीजन का बना के देखा, अमोनिया का बना के देखा, नाइट्रोजन का बना के देखा, मैथेन का बना के देखा, वाटर का बना के देखा, सबके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मुझे आते हैं, मैंने इतनी प्रैक्टिस तो कर रखी है। उसके बाद आ गया वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन जो है इसके पास स्पेशल एबिलिटी है जिसको अपन वर्सेटाइल नेचर बोलते हैं। इस वर्सेटाइल नेचर में 2 मेन एबिलिटी आती है, एक तो आता है कैटेनेशन, एक आता है टेट्रावेलेंट। कैटेनेशन मतलब कि लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट या फिर ऐसा एटम है जिसमें लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी है, दूसरा और कोई ऐसा नहीं है जिसमें इतनी बड़ी चेन बनाने की एबिलिटी हो। हाँ सल्फर सिलिकॉन होते हैं लेकिन ये 7 या 8 तक ही बना पाते हैं, इसके बाद इनकी चेन जो होती है वो वीक हो जाती है। एक तो ये इसमें एक्स्ट्रा है, इसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन, लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी। दूसरा होता है टेट्रावेलेंट, कार्बन जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है बहुत से नहीं कर पाते हैं, कार्बन कर पाता है, तो इसके कारण इसका नेचर जो होता है वर्सेटाइल होता है और बहुत सी जगहों पे मिलता है। अगली बात करें हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन की फिर 2 कैटेगरी बना दी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड वो जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड वालों को एल्कीन सीरीज बोलते हैं, अनसैचुरेटेड वालों को डबल वालों में बोलेंगे एल्कीन, ट्रिपल वाले में बोलेंगे एल्काइन। फिर बात आती है यहाँ पे 2 टॉपिक आते हैं जिनको बोलते हैं आइसोमर्स और होमोलोगस सीरीज। आइसोमर्स क्या होते हैं कि भाई केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिकुलर फॉर्मूला तो क्या है सेम है, लेकिन जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बैठ रहे हैं तो स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स याद भी कर रखे हैं, ब्यूटेन का आइसोमर जो होता है उसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, और ब्यूटेन के टोटल 2 ही स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। ऐसे पेंटेन की अगर बात करें तो पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये सब स्ट्रक्चर मैंने माइंड में याद रखे हुए हैं क्योंकि मैं रिविजन कर रहा हूँ भाई। IUPAC नॉमनक्लेचर में मैंने सफिक्स याद रखी हुई है, प्रीफिक्स याद की हुई है, और यहाँ से कोई सा भी नाम आ जाएगा इजीली कर लेंगे। उसके बाद बात आ गई केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कंबशन, कंबशन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। कंबशन जो होता है ये एक टाइप से ऑक्सीडेशन भी होता है। अगला आ गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक ही चीज़ याद रखी हुई है कि एथेनॉल में हम डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड होगा या फिर बेसिक होगा ये देख लेंगे। ऑक्सीडेशन से एथेनॉल जो है कन्वर्ट हो जाता है एथेनोइक एसिड में। फिर अगला है एडिशन, एडिशन में होता क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन।
इसी का एक और नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ही तो ऐड कर रहे हैं। इस रिएक्शन को कराने के लिए कुछ कैटलिस्ट की जरूरत होती है, जैसे कि निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम, और हाइड्रोजन गैस तो फ्लो कराते ही हैं। और लास्ट हो गया सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन ऐड कराते चलते हैं। मतलब क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता चलता है और खुद अपनी पोजिशन लेता चलता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बात होती है दो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके यूजेस और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी जो कि हमने सीधा याद की हुई है। और लास्ट में फिर सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट में सबसे मेन चीज़ हमको याद रखनी है मीजल्स क्या होते हैं। सोप के स्ट्रक्चर का अपन क्या बोलते हैं, मीजल। यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो इस टाइप से इस चैप्टर का रिविजन कर लिया 5 मिनट में। अब ये फ्लो चार्ट बस हमको हमारे माइंड में सेट करना है। जैसे ही फ्लो चार्ट हमारे माइंड में सेट है, एग्जाम में जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर दिख गया हमको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये कौन से पार्ट से आए, चैप्टर तो पता पड़ गया लेकिन टॉपिक नहीं पता पड़ रहा, तो टॉपिक हमारे माइंड में आ जाएंगे। बस एनी में से कोई एक टॉपिक में से आया होगा, इनका यूज़ करेंगे और हम आंसर लिखाएंगे। बट ये सारा रिविजन आपका होना चाहिए। इस टाइप से कार्बन एंड कंपाउंड्स के शॉर्ट नोट्स बनाए। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसे नोट्स बनाए तो आप भी ऐसे ही बनाओ। मैं तो आपको बस एक सजेशन दे रहा हूँ कि आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि 5 से 10 मिनट में रिवाइज हो जाएं, क्योंकि उस टाइम पे आपके 4 चैप्टर केमिस्ट्री के रहेंगे, 4 चैप्टर आपके रहेंगे फिजिक्स के, और 5 चैप्टर आपके रहेंगे बायो के। तो इतने सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए आप 2-2 घंटे नहीं दोगे, उस टाइम पे आप दोगे 10 से 15 मिनट एक चैप्टर को। एग्जाम से एक दिन पहले आप इतना ही टाइम दे पाओगे, ठीक है? आपको रिलैक्स रहना है, सब कुछ पढ़ा हुआ रहेगा तो रिलैक्स रहोगे, ठीक है? आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय, ऑल दी बेस्ट।